फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए, आखिर वो रात आ ही गई जिसके लिए हम लोग 6-7 महीने से तैयारी कर रहे थे। तो वो रात आ ही गई और आपको मैंने दिखाया कि एंट्री में कैसा डेकोरेशन है। उसके बाद जब आप एंट्री करोगे तो साइड में लक्ष्मी और रोनित का जो है फोटो बैनर लगा हुआ था। फिर ये कुछ इस तरीके से मेन गेट का जो है वो डेकोरेशन था। यहाँ पे 2 दरबान लगे हुए थे, तो जो भी आ रहा था तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, भाला, उससे दरवाज़ा जो है वो बंद कर ले रहे थे, फिर वो लोग खोल दे रहे थे। सबको ये आ जा रहा था। और यहाँ पे फिर आपको ये देखिए कुछ इस तरीके से एंट्री का जो है डेकोरेशन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, मैं जा रही हूँ अभी एंट्री, मैं भी अभी आई हूँ जस्ट, तो अभी मैं अंदर ही जा रही हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ कि कैसा लॉन था और क्या डेकोरेशन था। तो ये देखिए, ये है लॉन जहाँ पे शादी होगा। और जैसे आप एंट्री करोगे ना, वैसे ही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि गद्दे लगे हुए हैं, तो ये सब द्वार पूजा के लिए लगे हुए हैं। और ये होटल है, मतलब रूम जिसमें है, रूम वगैरह सब कुछ है। लेडीज़ तैयार होंगी, रेस्ट करेंगी, जिनको सोना होगा रात में वो सो भी जाएगा। तो 3-4 रूम जो था वो मिला था, रूम बहुत अच्छा था और सारी मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा था। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको लॉन, जहाँ पे जयमाल तक तो मैं नहीं गई थी, पर जहाँ पे खाना पीने का व्यवस्था है वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और पूरा ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था, तो आप देख सकते हो। और ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो ना, जो डेकोरेट है वहीं पे होगा जयमाल। और ये जो है, ये पालकी कही है, मतलब नए जमाने की आप पालकी कह सकते हो, तो लक्ष्मी के लिए वो डेकोरेट है, उसी में बैठ के वो जयमाल तक जाएगी। और जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए थे कि दूर से भी आप देख सकते हो। और ये देखिए, ये है पालकी नए जमाने की, इसमें लक्ष्मी बैठ के स्टेज तक, कमल के फूल तक जाएगी। और ये है द्वार पूजा का, तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है द्वार पूजा के लिए, कि मतलब जो वाइट कलर के गद्दे बिछे थे ना, तो गंदे हो जा रहे थे, कुछ लोग पैर रख के चल जा रहे थे, तो ये साफ़ सफाई हो रहा था। अब बारात का इंतज़ार हो रहा है और बारात आ चुका है, बस मुझे लग रहा है कि 4-5 मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम सिस्टर लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे बड़े पापा के बड़े बेटे जो हैं वो करवाएंगे द्वार पूजा, तो वो बैठ चुके हैं और बस बारात के आने का इंतज़ार हो रहा है कि बारात आ जाए, दूल्हा आ जाए, तो द्वार पूजा शुरू हो। और बहुत भव्य जो है एंट्री हुआ था बारात का, अभी आप लोग देखिएगा। तो सभी लोग बेसब्री से दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि लक्ष्मी के दूल्हे को देखेंगे कैसे हैं। अब बारात थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए जितने भी हमारे कॉलोनी के लोग थे ना, वो लोग खाना खा करके चले गए थे, वो लोग नहीं देख पाए थे। पर जो मतलब रिलेशन वाले थे और जो जिनको रुकना था, वो लोग रुके थे। और यहाँ देखिए, बारात जो है एंट्री हो गई है।
तो मैंने भी दूल्हे के साथ खूब डांस किया और उनकी बुआ लोग थी उन लोग के साथ, सभी के साथ मैंने खूब डांस किया। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि बारात दूसरे का है, जैसे लग रहा था कि हम ही लोग लेके बारात आए हैं। खूब डांस हुआ, बच्चे भी खूब डांस किए थे। फिर लग गया द्वार पूजा और हो रहा है, मतलब दूल्हा जो है वो बैठ चुका है द्वार पूजा के लिए। और यहाँ पे देखिए हम हस्बैंड वाइफ, और फिर उसके बाद से देखिए मतलब द्वार पूजा का जो भी रस्म है वो सब कुछ शुरू हो गया है। तो भैया हमारे एक साइड में बैठे हुए हैं और दूल्हे जी एक साइड में बैठे हुए हैं, और जो भी रीति रिवाज के साथ होता है वो सब कुछ हो रहा है। और जो लेडीज़ लोग गाना गाती हैं, देहाती गाना जो होता है वो गाना भी चल रहा है। और थोड़ा सा जैसे कि मतलब गाना भी चल रहा था ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ का वॉइस म्यूट कर दिया था, वरना कॉपीराइट आ जाता, इसकी वजह से मैंने इसको नहीं लगाया था। और यहाँ पे देखिए मम्मी बीमारी गाना गा रही हैं। द्वार पूजा हो गया है और हम आ गए हैं छत के रूम पे, जो रूम मैंने आपको दिखाया था। तो लक्ष्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, छोटे बच्चे सब सो गए हैं। यहाँ पे जो होता है ना जयमाल के लिए फूल वगैरह डेकोरेट करना, और साथ में हम लोग कॉफ़ी भी चल रहा था, तो यहाँ पे थाली जो है वो तैयार हो रही थी। लक्ष्मी साइड में बैठी हुई थी और हम सभी लोग अभी यहीं पे थे। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। अभी देखिए हम लोग रेडी हो करके आ गए हैं मैरिज हॉल, और चलिए आपको ब्राइडल से मिलवाती हूँ, यानी कि मेरी सिस्टर लक्ष्मी से। पहले आप ज्योति से मिल लीजिए, यहाँ हाय बोलो। और यहाँ देखिए आपको दिखाती हूँ, लक्ष्मी से मिलवाती हूँ। इस सिस्टर की शादी है। कैसे हैं आप लोग? बोलो, मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उनके वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और इधर इनकी हैं सहेलियाँ, यानी कि फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे फ्रेंड्स हैं ऐसे इनके ये हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को लक्ष्मी का एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जो है वो पालकी में बैठ गई है, और पालकी जो है वो कमल के फूल की तरफ जा रहा है। और मम्मी के तो आंसू हमारे बंद ही नहीं हो रहे थे, वो जब भी देख रही थी तब भी मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जा रही थी कि बेटियाँ हैं सब बारी बारी करके जो है अपने ससुराल जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जो है आ चुकी है कमल के फूल के पास। तो यहाँ पर होगा पहले थोड़ा सा डांस होगा, उसके बाद से फिर जयमाल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दूल्हा दुल्हन का डांस होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और पहले लक्ष्मी परफॉर्मेंस करेगी, और यहाँ पे सब लोग पैसे वार रहे हैं कि दूल्हा दूल्हे की दूल्हा और दुल्हन की मतलब जोड़ी को नज़र ना लग जाए, तो सभी लोग पैसे वार वार के सभी को दे रहे थे। और यहाँ पे लक्ष्मी का डांस जो है बहुत ही अच्छा हुआ था, पर मैं मुझको वॉइस म्यूट करना पड़ा, आप लोग को पता ही है। तो चलिए अभी नेक्स्ट गाने में मैंने उसका वॉइस जो है थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, पर देखिए कॉपीराइट का थोड़ा सा डर रहता है ना, इसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। वैसे तो हमारा खुद का मन नहीं होता है कि हम वॉइस को म्यूट करें, वॉइस अगर रहता तो कुछ और ही वीडियो बन के तैयार होता है, पर हमको थोड़ा सा भाई यूट्यूब के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए लक्ष्मी का परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यारा डांस कर रही है। Yeah.
ही आ गया, सभी ने खूब डांस किया। रुपेश तो डांस नहीं करता है पर वो भी बहुत डांस किया। यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों का डांस, फिर दोनों आ जाते हैं कमल के फूल पर जयमाल होने के लिए यहाँ पर। और आप सब भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे हमेशा, मेरी बहन सदा सुहागन रहे और चारों तरफ से खुशियाँ मिलती रहे, दोनों लोग तरक्की करें आगे बढ़ें। बस यही दुआ है हमारी कि नए जीवन में ये कदम रख रही है तो हमेशा खुश ही रहे। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा या बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे आते हैं या वीडियो पे आते हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और यहाँ देखिए स्टेज कुछ इस तरीके से डेकोरेट था, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी, वैसे नज़र ना लगे जोड़ी को, जोड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ देखिए अब जा रहे हैं स्टेज पे और यहाँ पे लक्ष्मी छू रही हैं बाबू के पैर और वो दे रहे हैं आशीर्वाद। उसके बाद से वही सब लोग स्टेज पे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपना दोनों जोड़ी को, जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं। मैं भी गई थी, बारी बारी से सब कोई गया हुआ था। और उसके बाद से फिर शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती हैं, जो भी रस्में होती हैं। तो ये वीडियो भी लंबा हो रहा था इसलिए अभी तक का ही मैंने एडिट किया है, इसके बाद आगे आपको मिलेगा जो शादी की रस्में मिलेंगी आगे वीडियो में और विदाई का मिलेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मतलब जयमाल का जो जगह था वो कुछ इस तरीके से डेकोरेट था। और यहाँ पे देखिए रात काफ़ी हो चुकी थी इसकी वजह से थोड़े से कम लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सो भी गए थे, बहुत लोग चले भी गए थे। अब बस हम लोग चुपचाप देख रहे थे, अभी लक्ष्मी के ससुराल पक्ष जो हैं वो जाके आशीर्वाद दे रहे थे और हम लोग दे चुके थे आशीर्वाद। तो बस हम लोग वही देख रहे थे कि आज हमारी ये भी बहन जो है वो पराई हो गई है। तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।